जी ऐट ऐट का पड़ा था जी, इनका जो कुछ हो कर लियो का है हमारा, और कर्जा हमारे सर और घटने की वजह दो गुना ज्यादा होगा। 110 रुपए किलो, मतलब हम यहाँ खेत में मर रहे हैं और वे सो रहे आरामदा वहाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे इंडिया में कहीं भी। फिर चलाया हमने, फिर 5-6 दिन बाद फिर एक्सीडेंट हो गया। अजी माँ लगता भाई ट्रैक्टर नहीं दबता। तो ये जो है दोस्तों ओनर है जिन्होंने लिया है ये, और ट्रैक्टर देखिए इनका क्या बेहतरीन है, ये बम्पर लगवा रखा आपने देखे होंगे काफ़ी वीडियो में, फतेहाबाद के मशहूर बम्पर हैं, और साइलेंसर भी देखिए उन्होंने मॉडिफाई करा रखा। चलिए नहीं से बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। तो भैया एक बार नाम बताओ अपना। अंकुश सैनी। अंकुश सैनी, और गांव जी? नसुल्लागढ़। नसुल्लागढ़ जी, ये कांगू पड़े नगुड़ के पास। अच्छा, गांव के नाम भी बड़े अजीब अजीब है यहाँ है, नसुल्लागढ़। जमुना की डांग पे। जमुना की डांग पे। हाँ जी। तो इसके बारे में बताओ, जो आपने ये रीपर लिया ना केस का जी, इसके बारे में बताओ आपने, मतलब पहले कौन सा चलाया, इसकी बुकिंग कैसा कराई, थोड़ा सा रीपर के बारे में बताओ जी। हमारे पास पहला जगह जी था जी पिछले साल जी। अच्छा, तो हमने नया लिया था जी, रीपर भी ट्रैक्टर भी पर के। अच्छा, ट्रैक्टर भी पिछले साल लिया जी, नया कटवाया था जी। ट्रैक्टर कहाँ से लिया था भाई? ट्रैक्टर तो हरियाणा से लाए थे, जिस टाइम यहाँ पे जनसिंह थी जी लोकल में। अच्छा, यहाँ जनसिंह थी जी। अच्छा, हरियाणा से लिया था जी, वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने का पड़ा था ट्रैक्टर उस टाइम? ट्रैक्टर उस टाइम 8.5 लाख का पड़ा था जी। अच्छा, ये 55 में 50 में? 55 में जी, एडिशनल है स्पेशल। अच्छा, स्पेशल एडिशन। हाँ जी। हाँ, ये 55 में जी। अच्छा, और यू रीपर पिछले साल मतलब उसका था जगतजीत का? जगतजीत का था जी। वो कितने का पड़ा था आपको? जगतजीत का था जी 320 का। 320 का जी। वो कहाँ से लिया था आपने? सहारनपुर से जी। डीलरशिप है सहारनपुर में जी, शिव कुमार के ही वो कॉन्टेक्ट में लिया था। अच्छा, इनके कॉन्टेक्ट में लिया था। तो वो कैसा चला रीपर? बेकार है जी। बेकार क्या हुआ? नई रीपर में जगतजीत का तो नाम है। दूसरे दिन ही उसका अंदर से थ्रेसर में उठिए पट गए थे उसके। दूसरे दिन ही जी? अरे हम दूसरे दिन ही फिर कंपनी में फोन किया, शिव कुमार भाई ने गाड़ी भेजी, कंपनी के बंदे आए। अच्छा। रिपेयर करके ठीक पट गए थे 20। तो मैं हमने बोला थ्रेसर चेंज कर दो, उन्हें थ्रेसर चेंज नहीं किया। अच्छा। उन्हें हमारे रिपर रिपेयर कर दिया ये शिव कुमार भाई के लावे गंगोई। अच्छा। तो जी फिर चलाया हमने, फिर 5-6 दिन बाद फिर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। फिर हमने शिव कुमार पर फोन किया, मगर इस तरह फिर हो गया जी। अच्छा। इसने फिर बंदे भेज दिए। अच्छा। फिर रिपेयर कर दिया। अच्छा। तो जी कहने का मतलब यह है उसका एक्सीडेंट 4 फिर हुआ सीजन में मेरे। एक्सीडेंट मतलब वो भीतर अंदर से ही ठिए पड़ जाते, बांस कट के उसके वो थ्रेसर ही टूट जाता सारा, अंदर से ठिए पड़ जाते। इनमें हो गया कुछ अंदर, जुगाड़ हो गया इसमें? लेट हो जी अंदर। अच्छा, फिर क्या हो गया भाई? यार नए जगतजीत का तो यार नाम है, ब्रांड है जगतजीत तो, बहुत बड़ा है जी जगतजीत की। और अच्छा जी कंपनी भी नहीं बढ़िया है, बात करा थे ऊपर मैनेजर, तब मैनेजर कुछ तो कुछ बताओ था जी जगतजीत का। गर्मी हो रही है बात की, शाम के टाइम फोन करियो, मतलब हम तो खेत में परेशान हो रहे हैं दे दिए पूरे। अच्छा। तो उस करके फिर हमने नहीं फोन करे थे, क्या कहते हैं उनके मैनेजर? नो कहते दोपहरी हो रही है, ना करिए, हम तो सो रहे बाल है, और फिर करिए परेशान ना करो, मतलब हम यहाँ खेत में मर रहे हैं और वे सो रहे आरामदा वहाँ जी, ऐट का पड़ा था जी, इन्हों का जो कुछ हो कर लियो क्या हमारा, मगर हम क्या कर सके, हम बेच देंगे और क्या था। अच्छा, धमकी भी दे थे मतलब? अच्छा जी। फिर हमने वो रिपर अच्छा बेच दिया जी। तो आपने तो उसमें मोटा नुकसान ही होगा आपको? हाँ जी, रिपर में पड़ेगा जी 1 लाख रुपए का नुकसान पड़ेगा करीबन कुछ ही कम। अच्छा, मुझे आप एक बात तो बताओ, जैसे एग्जीबिशन वगैरह मैंने हमने सब जगह देखे, इन्फ्रा भी देखा, एक बार हमने फैक्ट्री विजिट भी की थी जगतजीत की, नाम बहुत है जगतजीत का जी, देखो नाम तो होगा ही है जी। या चलाने चुलाने में कुछ फर्क रहा आपके, मतलब कुछ? ना जी, जो ना बताया था, चक्रो ट्रैक्टर चला था 1600 चक्रों पे जी, इसी पे जी, और अंदर से फट जाए, अंदर से फट जाए जी। कहाँ हो जुगाड़ वो जो आप बता रहे, फटने वाला सिस्टम था इसका? थ्रेसर। अच्छा, इसके अंदर हो जी थ्रेसर वो। अच्छा, थ्रेसर इसके अंदर रहे जी जी। तो 4 बार फटा? हाँ जी 4 बार हुआ सीजन में एक्सीडेंट, वो लास्ट में तो फिर वो मैं खड़े कर दिया था जी, सीजन रह गया हमारा 5-6 दिन का और। अच्छा, मतलब सीजन भी पूरा नहीं हुआ? ना जी, मेरा भाई है, एक दोस्त है मेरा विनोद। अच्छा अच्छा, वही लड़का चला कर था जी, उस भाई से चाहे थोड़ा संपर्क कर लो आप लोग। अच्छा ठीक है जी, वो क्योंकि वो ही चला रहा था, मैं तो थोड़ा दूर रह गया था ट्रैक्टर से, मेरे पास ना था, मैंने थोड़ा बहुत चलाया था। अच्छा, बस वो भाई चला, उस पर चलाना हुआ था। अच्छा, उसने पहला केएस चलाया था जी, करीबन 4 सीजन हो गए। अच्छा, विनोद ने। अच्छा, तो जी वो बोल रहा था कि केएस ले ला, मैंने बोला नहीं जगतजीत ले लेंगे यार, बढ़िया रिपर है, नया है। अच्छा, नया मिल रहा कोई बात नहीं, ले लेंगे, मैंने इसको ऊपर तो होगा ले लेता ऊपर क्या। अच्छा, पिछले सीजन में बम्बा जैसा नहीं आया, टूटने लग गया बीच में, एक्सीडेंट हो गया, ना कंपनी ने कुछ खास कोई खास वो करी सर्विस। हाँ। सर्विस भी फोन करा जी, कोई कहीं बतावा, कहीं कहीं दिन में गाड़ी आई, दो दिन ट्रैक्टर खाली खड़ रहा मेरा। अच्छा, तो फिर हमने वो भेज दिया। तो अब ये जो लिया आपने केएस का, इसके बारे में कहाँ से पता लगा आपको? बस इसके बारे में तो विनोद भाई बता कर था कि केएस चलाऊंगा, केएस ही रिपर अच्छा है। अच्छा,
जी। आपने अभी चलता है क्या कहीं अपने क्षेत्र में हूँ जी? हमारे कहीं भाइयों पे आए हो, हमारे नकुड़ क्षेत्र में आए हो। अच्छा, लड्डी भाई है एक, सरदार जी है लड्डी भाई हमारा। अच्छा अच्छा, एक हमारा चाचा है सरदार जी, उनपे उनके रिश्तेदारों पे केस कहीं है, काफी है रिश्तेदारी मतलब जानकारों पे। अच्छा हाँ जी, तो मतलब उनसे पता करा कभी ऐसा ही निकट है? जी जी, पता करा उनसे, उनसे पता करा उनकी गलत चला के देखा उनका ट्रैक्टर बैठ के। अच्छा ठीक है, रिपेयर सही है, बिल्कुल बेहतरीन जी। अच्छा, और गारंटी वारंटी इसकी क्या है? सीजन की गारंटी है जी, एक सीजन की। जब हमने गंगो से लिया जी, शिव कुमार भाई पे से रिपेयर। अच्छा जी, कितने का पड़ा आपको ये? 330 का है जी फिलहाल। 330 का लिया है जी, 330 का, बाकी अच्छा अच्छा भेज रहे आगे कंपनी वाले। अच्छा अच्छा, नया लिया जी। अच्छा चलो, ये तो हो गया आपका रिपेयर का, आपके साथ में जो भी है उसमें नुकसान हुआ आपको, चार बार जैसे फटा जैसा आप बता रहे हो। जी जी, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओ। ये जो ट्रैक्टर है ये दोस्तों, जब यहाँ पे एजेंसी नहीं थी न्यूलैंड की, गंगो में इन्होंने कटवाया था ये हरियाणा से जी। तो ये कहाँ पे लगवाया आपने बम्पर, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। लाडवे जी। ये कितना वजन है भाई इसमें? 70 किलो। अच्छा 70 किलो, ये या जो प्लेट है यहाँ तक इसे मिला के? जी जी, ये सारा सेम है। अच्छा, देखने में लगा है मतलब बहुत भारी होगा, अंदर से खोखला नीचे से? जी जी, खोखला है ये तो, 100 किन्नी बम्पर है जी ये तो। अच्छा अच्छा, कितने पैसे में लगा था भाई ये? लगा जी 110 रुपये किलो। 110 रुपये किलो जी, इतना ये बैठा का लगभग क्या नाम, 7000। कितना? 9000 का मेरा गार्ड का बम्पर। अच्छा अच्छा, ये फेंडर भी थे इसमें? 2000 और फ्रंट दोनों फेंडर 9000 के, दो के मान लो 7000 रुपए का लगभग होगा। हाँ जी, 7 के करीब है। और 2000 के ये भी वही लगवाए थे? और ये कहाँ से? ये तो दोस्तों ने ना भी दुकान से खरीदा जी। अच्छा, अलग लिया जी हमने। कितने का दिया भाई? 2000 का जी। यू? हाँ जी। अच्छा, ये स्टील का हुआ है? स्टील है जी। अच्छा अच्छा, बाकी ट्रैक्टर आपने भैया कितने घंटे चला दिया? 400 घंटे चला जी फिलहाल। 400 घंटे, एक साल का चलता है ट्रैक्टर, 21 मॉडल है। अच्छा, ट्रैक्टर की बताओ परफॉर्मेंस? ट्रैक्टर बढ़िया है जी, बढ़िया जबरदस्त। अच्छा, और साइलेंसर जो आपने मॉडिफाई कर रखा है? ये साइलेंसर जी थोड़ा मतलब आवाज बढ़िया निकला है, मतलब बढ़िया निकला है। हाँ जी। कितने का आया है? ये साइलेंसर 2800 का था जी। 2800 रुपये का जी, एजेंसी से, न्यूलैंड की एजेंसी से। अच्छा, न्यूलैंड की एजेंसी से जी। 2800 रुपये का। टर्बो है दोस्तों, टर्बो है ना इसके अंदर, टर्बो इंजन है। हाँ जी। तो ट्रैक्टर में आपको कोई दिक्कत कुछ ना जी? कुछ नहीं दिक्कत, बढ़िया चल रहा, मजा आ रहा जी पूरा। ना वाले डैक में दिक्कत है जी, वो भी एक बार लगवाया था कि पांच लोग खुलाई थी। अच्छा, यू कहां था लगवा था भाई? नकुड़ लगा था, नकुड़ लगा था कि हमारे सरदार जी जानकार, पंजाब का माल है। 10 इंची पेटी है। कितने की लगी थी भाई? 10000 की लगी थी। ये अभी 10500। अब बढ़िया चल रही है। बस आज तो दिक्कत नहीं आई। अच्छा अच्छा, एक बात और बताया, नु सुना मन्ने के न्यूलैंड के ट्रैक्टर लोग नु कह के मतलब दबे, लोड नहीं उठाते, लोड कम उठावे। अजी मालक दबे ट्रैक्टर नहीं दबता। अच्छा जी। अच्छा, तेल कम करवा ला दे बेचारे, हम तो जैसे है जन सीधा लग छिड़वाया नहीं जी, तेल छिड़वा ले। हां जी, कोई तेल कम करवा ला, कोई कुछ करवा ला। हां या एजेंसी में मैनेजर लग रहे, कंपनी में बेचारे और लड़के लग रहे जो पढ़े लिखे हैं। हाँ। पढ़ाया कर रखी। हाँ। क्या पता इसके बारे में, हम तो चला सके, हम तो कर देंगे कर देंगे। हाँ। आपकी मैंने जो पीछे तो सेटिंग आ रही है छिड़वाओ ना। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, जो पीछे बाहर के मिस्त्री छिड़वा ला एजेंसी तो बाहर निकल के। हाँ। तो फिर तो सेटिंग खराब होनी होनी बिल्कुल, एजेंसी के थ्रू चलाएंगे, गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो उसमें। हाँ हाँ, काम तो अच्छा कंपनी वाले करेंगे ना जी, जिन्हें बनाई। हाँ। हाँ। जी, तो सजेस्ट करोगे जो और किसान लेना चाहे के ट्रैक्टर? ये सबने ये लेना चाहिए न्यूलैंड ही, जिसका बेचारों ने कराया कुरया करना, कराए के लिए ठीक है ट्रैक्टर, ये किसान के हक में भी, अपने खेती के हक में। तेल बतावे ना, बहुत कम खावे न्यूलैंड का ट्रैक्टर। तेल तो कम ही ले जी, और ट्रैक्टर ये 12 फोर वो है, हाई लो मीडियम है, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स हाई लो है जी, हैं हाई लो मीडियम है। अच्छा, ये कमेंट है जी, हम उसे लेकर लॉस में गए। अच्छा, कर्जे पे लेकर रिपर लिया और कर्जा हमारे सर और घटने की वजह 2 गुना ज्यादा हो गया। अच्छा, कर्जे पर लेकर लिया जी? जी जगत जीत। अच्छा, और यार मैंने भाई को मना कर जी, मगर जगत जीत ना लेकर कैश का लिया जा। हाँ। तो कैश का हमने पहले भी चलाया, बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, और भाई मेंटेनेंस भी जीरो मान लो यार, इतनी तारीफ करे इसका, इतना एडवर्टाइजमेंट, जगत जी चुगर देखो जगत जी है। हम कह सकते हैं हमारे एक साथी है, वो भी उसने भी हमारे साथ ही लिया था। अच्छा, परेशानी है बेचारा भाई। फैक्ट्री विजिट तो देखो मैंने भी की, मैं अपनी बताऊँ, एक बार मैं गया, जबरदस्त फैक्ट्री है, बहुत ही जगजीत बड़ी है, जगजीत की ऐसी बात नहीं, हम भी रखे यूट्यूब पर देखो जहाँ। हाँ, लेकिन हमें मजा नहीं आया। अच्छा, तो केएस का चलाया, जिस कर मैं चला, जिस कर मैं बढ़िया चला। अच्छा, उससे बढ़िया चला। अच्छा, केएस की तो तारीफ भी नहीं है, जितनी करे इतनी कम है केएस की। जी जी, हमने तो कभी लॉस में करेगा, जैसे मगर चलो जो होगा देखेगा अभी। अच्छा, केएस का ही हो, केएस का अच्छा भी है। चलो, फिर भी आपने कर्जे पर लेके फिर नुकसान हुआ आपको, मोटा हुआ जिसमें, बहुत बड़ा मोटा नुकसान है जी जी जी।
वो तो हमें घाटे से ही बेचना पड़ा। शिव कुमार भाई ने हमारी बहुत मदद करी। अच्छा, जो बिकवाया नया दिलवाया। अच्छा अच्छा, शिव कुमार भाई ने। जी जी, जिससे हमने लिया था वो तो बात भी नहीं करता जी, गारंटी तो बहुत दूर की बात है। जिससे लिया था जी जी जी, गारंटी दूर में था, बात ही नहीं करता। बात ही नहीं करता जी, फोन भी नहीं चकता। अच्छा अच्छा अच्छा, हम वहाँ पहुँच जा तो बात भी करना पसंद नहीं करता जी। अच्छा, ये भाई भी दोस्तों इन्हीं के साथ में है अनुज की, और ये जो है डीलर, इन्होंने दिलवाया, फिर इन्होंने इनकी हेल्प की। तो कैसे कैसे कराया शिव कुमार जी? जैसे ये तो बता रहे बहुत मोटा नुकसान हुआ है रीपर में। पहले रीपर में, हाँ पहले रीपर में तो चलो ये जाने जैसा भी होगा, अब ये कह रहे थे नवा रीपर चाहिए, नवा रीपर दे दिया इनको। अच्छा, तो फिर ये बता रहे कि आपने बहुत हेल्प की। यही रिपेयर हुआ। अच्छा, रिपेयरिंग भी इन्होंने ही, स्टार्टिंग भी दो बार इनकी यही रिपेयर हुआ। अच्छा, तो ये दोस्तों डीलर है न्यूलैंड के भी और केएस के भी, बाकी इनके पास में और भी डीलरशिप है, इनका भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। और मान के चल इसी में भी कोई गड़बड़ आती है अनुज भाई, कल को है जी गारंटी क्या है शिव कुमार जी आपके वाले की? सीजन की पूरी गारंटी है, अगर कुछ भी गड़बड़ आती है तो खेत में ही करेंगे। अच्छा जी, फील्ड में ही, चाहे इनका कहीं भी रिपर चल रहे हो, चाहे एमपी रिपर चल रहे हो, गुजरात चल रहे हो, वहीं से ही करेंगे, वहीं पे जाके। हाँ, सर्विस टीम वहीं पे जाएगी। यह बहुत बढ़िया बात बोल लीजिए आपने, यह बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा जी, पहुँच जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर जी जी। तो ठीक है शिव कुमार जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। तो दोस्तों ये जो है ये डीलर थे, और देखो इन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे इंडिया में कहीं भी रिपर चल रहा हो वहीं टीम पहुँचेगी कंपनी की। तो दोस्तों ये थी केएसके रीपर की डिलीवरी गंगो न्यूलैंड की एजेंसी से, और ये जो ट्रैक्टर है दोस्तों ये निकलवाया था इन्होंने हरियाणा से, तब यहाँ पे एजेंसी नहीं थी। बाकी डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।